वेलकम टू व्यूवर्स, स्वागत है आपका हिमसिंह टेक्निकल चैनल में। आज हम आपके लेके आए हैं अमेजिंग कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक 2021। इन ट्रिक्स के जरिए आप कंप्यूटर में चलाना तो आपको आता है, कुछ एक्स्ट्रा भी सीख पाएंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे डायनेमिक लॉक। अगर आपका कंप्यूटर किसी ब्लूटूथ डिवाइस से, यानी कि आपके फोन से पेयर कर दिया जाए और वो डिवाइस जैसे ही कंप्यूटर से दूर जाएगा तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, तो ये है डायनेमिक लॉक। सेकंड है क्लिपबोर्ड। जब भी हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो वो एक ही फाइल सिलेक्ट होती है और एक ही पेस्ट होती है, हिस्टोरिकल वो सेव नहीं रहता। बट क्लिपबोर्ड की कमाल से आप हिस्टोरिकल भी फाइलों को कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, जिसे क्लाउड कॉपी भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल डेस्कटॉप। आज हम आपको दिखाएंगे बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए आप विंडो 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट विंडो के जरिए ही वर्चुअल डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। फोर्थ है सीएमडी। जो लोग ऑफिशियल काम करते हैं कमांड लाइन पे, कमांड लाइन इंटरफेस पे, तो आपको देखा होगा आपको एक पुरानी सी ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उसको आज हम किस नए ट्रिक से मजेदार व्यू के साथ देखेंगे। फिफ्थ है शॉर्टकट फॉर यूजिंग यूजफुल सॉफ्टवेयर। आप कोई सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज करते हैं, बार बार उसको स्टार्ट मेन्यू में जाके ढूंढना नहीं, उसके लिए हम देख सीखेंगे कि शॉर्टकट की कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट है गॉड मोड। गॉड मोड के जरिए आप आपके जो डिवाइस मैनेजर है, सिस्टम मैनेजर है, कंट्रोल पैनल है, ये सारे एक ही क्लिक के अंदर सारे के सारे टूल्स आपको विंडो दिखाई देगी और आप इनको यूज कर सकते हैं। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन टूलों को आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है स्लाइड शटडाउन। आप कंप्यूटर को नॉर्मली शटडाउन करते हैं, आज हम आपको एक नया शॉर्टकट बना के देंगे जिसके जरिए आप कंप्यूटर को स्लाइड, जैसे मोबाइल स्लाइड्स करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को माउस से स्लाइड करेंगे और कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं स्टार्टिंग यूट्यूब। एंड सबसे पहले डायनेमिक लॉक, इसके लिए आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट के अंदर आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन ऑप्शन में नीचे नीचे हमने इनेबल कर रखा है, आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये है डायनेमिक लॉक, आप इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। विंडोज कैन यूज दैट आर पेयर टू यूर पीसी to now when you are away and lock your PC when those device go out of range। जैसे आपका जो pair device है वो अगर इस PC की range से बाहर चला जाएगा तो आपका computer automatic lock हो जाएगा, आपको log out करने की जरूरत नहीं है। तो सीखने के लिए बेहद आसान है, आपके PC में टिक नहीं लगा होगा, इस टिक को लगाना है। जैसे आप टिक को लगाओगे तो मेरा डिवाइस यहाँ pair है ER Hemsing 31, और अगर आपका पेयर नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक करना है ब्लूटूथ है अदर डिवाइस में, यहाँ जाएंगे ऐड ब्लूटूथ, और आपका जो भी डिवाइस होगा वो ऐड डिवाइस में यहाँ सर्च आउट हो जाएगा और आप उसको पेयर कर सकते हैं। ये मेरे जैसे अननोन डिवाइस आ रहा है, मेरा डिवाइस ऑलरेडी पेयर है, मैं आपकी सहूलियत के लिए इसे एक बार अनपेयर कर देता हूँ दिखाने के लिए कि कैसे डिवाइस पेयर होता है। आपको सिंपली अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है और ऐड ब्लूटूथ पे क्लिक करना है, शर्त है कि वो पहले से वो डिवाइस ब्लूटूथ पेयर ना हो, तो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ पेयर हो जाएगा। ये देखिए अननोन डिवाइस आया, नीचे मेरा फोन भी अभी सर्च आउट हो जाएगा। ये आ गया MER M31। अब ये डिवाइस पेयर हो गया है पीसी को लॉग आउट करने के लिए। तो जैसे ही ये फोन इस पीसी के रेडिएशन से, इस पीसी के डिवाइस रेंज से आउट ऑफ जाएगा तो डिवाइस ऑटोमेटिक कंप्यूटर को लॉक कर देगा। तो ये सेटिंग्स अगर आप कर लेंगे, आप ये देखिए पेयरिंग हो गया और आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे ही आप इस पीसी से दूर जाएंगे अपना फोन लेकर तो डिवाइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है डायनेमिक लॉक। सेकेंड देखते हैं क्लिपबोर्ड। आप क्लिपबोर्ड क्या है, आप किसी फाइल को कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स है उसको आप कॉपी करते हैं, देन उसको पेस्ट करते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं, या ये भी टूल्स है। मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको कॉपी किया, देन मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर मैंने सीएमडी सेटिंग को कॉपी किया, देन इसको
पेस्ट कर दिया। तो अब लास्ट जब भी आप पेस्टिंग करेंगे तो सीएमडी सेटिंग पेस्ट आएगा, वर्चुअल डेस्कटॉप नहीं आएगा। तो क्लिपबोर्ड या क्लाउड कॉपी के जरिए आप ये भी कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए आपको दबाना है विंडो एंड वी, ये देखिए विंडो एंड वी दबाना है, तो आपके पास क्लिपबोर्ड की सेटिंग आ जाएगी। ये रहा क्लिपबोर्ड। क्या दबाना है? विंडो एंड वी, जो विंडो का बटन होता है और वी बटन। तो क्लिप बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, सीएमडी वर्चुअल बॉक्स ये सारे आ रहे हैं, जो जो मैंने अभी तक कॉपी किए थे इस पीसी पे, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप किसी भी चीज को कॉपी और पेस्ट दोबारा कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया, विंडो और वी दबाएं, आपको नेक्स्ट आ जाएगा, सीएमडी कॉपी करना, सीएमडी आ गया, विंडो और वी दबाएं, आपका नया कोई सॉफ्टवेयर, नया कोई जो कॉपी लाइन है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखिए जितने भी आपके टूल्स हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग में रहते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में ये ऑन नहीं है तो आपको यहाँ क्लिप बोर्ड सेटिंग सर्च करना है, यहाँ पे क्लिप बोर्ड सेटिंग में जाएं और यहाँ पे आपको सेटिंग खुलेगी, इसको ऑन कर दीजिए। यहाँ भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ विंडोज लॉगो की प्लस वी, अगर आप ये ऑन है तो ये बटन दबाएंगे तो क्लिप बोर्ड सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है वर्चुअल डेस्कटॉप। हम इस कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे और हम वर्चुअल डेस्कटॉप का मजा ले सकते हैं। जैसे मेरा ये कंप्यूटर चल रहा है और हमें एक कंप्यूटर और जिसपे हमने कुछ सॉफ्टवेयर भी खोल रखे हैं, नोटपैड, ये मेरा डेस्कटॉप खुला हुआ है, कुछ और सॉफ्टवेयर भी मैंने इसमें खोल रखे होंगे, तो ये सभी सॉफ्टवेयर इसमें चल रहे हैं, खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक फ्रेश डेस्कटॉप भी हमें मिल जाए जिस पर हम अलग से सेकंड काम कर सकें। ऐसा लाइनेक्स में होता था वर्चुअल टर्मिनल के जरिए। तो अगर आप कंप्यूटर में विंडो की, जिसे स्टार्ट मेन्यू की कहते हैं, एंड टैब बटन दबाएंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। विंडोज 10 में ये ऑप्शन है प्री इंस्टॉल, और आप यहाँ पर क्लिक कीजिए न्यू डेस्कटॉप। न्यू डेस्कटॉप करते हैं, देखिए डेस्कटॉप 1 ये वाला है और डेस्कटॉप 2 ये डेस्कटॉप 2 बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहाँ पे आप अलग से काम करें, यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम खोला और मोजिला खोला, जो भी मैं टूल्स खोलना चाहता हूँ वो यहाँ पे अलग से काम होगा, और वो मेरी मशीन वहां पे पड़े, वहां जो कुछ भी खुला हुआ है वो पहले से काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने मोजिला खोला, ये भी मोजिला खोल गया। अभी हम वापसी जाना तो विंडो एंड टैब, तो हम देखिए उसी स्क्रीन पर आ गए, हम पुराने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। डेस्कटॉप 1 एंड विंडो टैब दबाएंगे तो ये देन डेस्कटॉप 2। अगर आपको एक डेस्कटॉप और चाहिए तो विंडो टैब दबाएं या प्लस कर दीजिए, आपका डेस्कटॉप 3 एंड 4 एंड 5 मल्टीपल टर्मिनल आपके पास आ जाएंगे। अब डेस्कटॉप 3 हमारा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है। तो इस तरह से आप वर्चुअल डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद करना, यहाँ से इनका क्लोज कर दीजिए और आप मेन डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। ये मेरा प्राइमरी डेस्कटॉप था जिस पर मैं काम कर रहा था, ठीक है जी। तो बेहद ही आसान है ये चीजें, इनको आप करके देखिए, बहुत आसान है। ये मेरा प्राइमरी डेस्कटॉप आ गया जिस पर हम काम कर रहे थे, तो वर्चुअल डेस्कटॉप हो गया। इसके बाद सीएमडी सेटिंग, आप सभी ने कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं सीएमडी, ये हमारी पुरानी सी स्क्रीन आती है ब्लैक से कलर की, और इसमें पीछे कुछ नहीं दिखाई देता डेस्कटॉप पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो। इसका बेहद आसान सी सेटिंग है, हम इससे थोड़ा कलरफुल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पट्टी पर राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टी, ये आपको पता भी होगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, फिर भी आपको बता रहे हैं। आप इसका कलर बदल सकते हैं, आप इसके टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। देखिए ये किसी और कलर में हो गया, सॉरी मैंने ब्लैक से शेडो में सेम कलर ले लिया, अभी मैं कुछ रेड कलर लेता हूँ, तो ये देखिए ये रेड से कलर में आ जाना चाहिए। स्क्रीन बैकग्राउंड, स्क्रीन टेक्स्ट, ये ऑन, शायद कुछ फाइल स्क्रप्ट होने, वरना ये उसी कलर में आ जाएगा जिस कलर में आप करने जा रहे हैं। और इसका शेडो भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, यहाँ से कलर स्कीम लीजिए और यहाँ पर ये देखिए ये शेडो, इसमें बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट पे भी काम कर सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली मैंने सेलेक्ट जो कर लिया वो टेक्स्ट का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, इसलिए देखिए ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है ये ग्रीन में लिखा जा रहा है। इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसका शेडो ऑप्टिमाइज आप घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कलर लेआउट में आप इसको जितना करना चाहें। देखिए एक्चुअली हमने स्क्रीन का बैकग्राउंड कर दिया, स्क्रीन टेक्स्ट का नहीं किया, और ये हमारा पॉप ऑफ कलर है, तो पॉप ऑफ कलर, यहाँ से पॉप ऑफ बैकग्राउंड, तो अब हम कलर लेंगे रेड, तो ये देखिए।
शायद हमारी स्क्रीन का ऑप्टिमाइज लेवल कम है। वट एवर, यहाँ से आप इसके स्क्रीन साइज, स्क्रीन, ये टर्मिनल यूज द लेआउट, सॉरी फॉन्ट, स्क्रीन के हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है जो पहले, और यहाँ डिफॉल्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। प्रॉपर्टी में गए, ये इसका सेटिंग्स फॉन्ट का, ये लेआउट, ये यहाँ पे हम स्क्रीन के टेक्स्ट का बदल सकते हैं, जो हमारा ब्लैक आ रहा था अभी हम टाइप करेंगे तो ब्लैक में होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन बैकग्राउंड, तो ये स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज हो नहीं रहा किसी वजह से शायद। ये हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड तो चेंज हो रहा है, किस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे जो स्क्रीन आएगा। उसके बाद है हमारे पास पॉप ऑफ टेक्स्ट, पॉप ऑफ टेक्स्ट की बात करें तो ये हमने ये ब्लू ले लिया हमने, ये शायद हमारा प्रॉब्लम है इसमें विंडो के कुछ, ये देखिए ये पूरा, ये शायद विंडो में कुछ था, ये पूरा शेडो हमने ग्रीन किया था, ग्रीन आ गया हमारे पास, तो शायद कोई विंडो थोड़ी बहुत सर्विसेज में प्रॉब्लम थी उस वजह से नहीं आ रहा था, ये हमने ग्रीन किया, ग्रीन आ गया। तो जैसा भी आप कलर करना चाहते हैं, आप आपसे ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर लीजिए, ये मेरे कंप्यूटर में अभी ब्लैक आ जाएगा, ये देखिए। तो इसके जो अभी मैंने फॉन्ट भी एक्चुअली जो वाइट था वो हमने बदल दिया था, तो हम इसके स्क्रीन टेक्स्ट साइज हम इसका वाइट कर सकते हैं, ये अब हमें दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप, और इसके ट्रांसपेरेंसी भी आप इसकी कलर ऑप्टिमाइज के जरिए आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, आप इसको ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हैं। इसको बंद करके चलाएं, ये बिल्कुल क्लीन आएगा जो आप सेटिंग करते हो उस मैन्युफैक्चरिंग के साथ, ये देखिए। तो ये आप ऐसा भी, तो ये हमारी सीएमडी सेटिंग्स। नेक्स्ट पावरफुल टूल है शॉर्टकट फॉर यूजफुल सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आप एक्सेल चलाते हैं, मान लीजिए आप वर्ड चलाते हैं, मान लीजिए आप पावर पॉइंट ज्यादा चलाते हैं, एक्सेट्रा, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अच्छे से चलाते हैं, तो उसको आप क्या करते हो, यहाँ स्टार्ट में गए या यहाँ सर्च बार में आपने एक्सेल टाइप किया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा ट्रिक है, आप क्या कीजिए, यहाँ से आप पहले एक बार अपना सॉफ्टवेयर को ट्रैक कीजिए, जिस सॉफ्टवेयर के आपने शॉर्टकट बनाना, वर्ड की मान लीजिए, वर्ड पे राइट क्लिक कीजिए, देन ओपन फाइल लोकेशन, आप उस सॉफ्टवेयर के मेन लोकेशन पे जाएं, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाएं, प्रॉपर्टी में ऑप्शन है शॉर्टकट, यहाँ शॉर्टकट नन है, इस शॉर्टकट पे जाके आप कोई भी की प्रेस कीजिए, मान लीजिए वर्ल्ड के लिए आप डब्ल्यू रखना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट अंडरस्टूड आएंगे ऑटोमेटिक, और डब्ल्यू आपकी की है, तो ये अब बन गया है कंट्रोल अल्ट एंड डब्ल्यू एंड अप्लाई एंड कंटिन्यू एंड ओके। अब ऐसा करने पे अब आप जब भी कंट्रोल अल्ट एंड डब्ल्यू दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर में वर्ड्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनकी शॉर्टकट की बना सकते हैं। ये तो था हमारा शॉर्टकट यूज। एक है हमारे पास गोड मोड, जो थोड़ा सा टेक्निकल कंप्यूटर यूज करते हैं उनको पता है, डिवाइस मैनेजर और भी कई पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन टूल होते हैं, उनको सर्च आउट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम सेटिंग, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन या सिस्टम सेटिंग या कंट्रोल पैनल एक्सेट्रा, यहाँ जाएंगे। इसके लिए एक शॉर्ट सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक कोड डाल दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ पे हम डेस्कटॉप या कहीं भी जहाँ पे इस टूल को बनाना चाहते हैं, ये मेरे पीसी का डेस्कटॉप है, दिस पीसी एंड डेस्कटॉप, जैसे हम दिस पीसी पे गए एंड देन मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है और नया फोल्डर बनाना है, ये नॉर्मल फोल्डर है जैसे आप फोल्डर बनाते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रिप्ट दे दूंगा ये वाली गॉड मोड, आप इसको कॉपी करके उस फोल्डर को रीनेम करके ये वाला लोकेशन पेस्ट कर दीजिए, ये नाम इस फोल्डर का रखना है आपको, टेंशन मत लीजिए, ये चीज मैं आपको उसमें दे दूंगा। ये देखिए ये कंट्रोल पैनल का आइकॉन आ गया, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सारे एडमिनिस्ट्रेशन टूल आपके सामने अवेलेबल है, ये देखिए जो हम टेक्निकल लोग यूज करते हैं विंडोज के, सारे पावर सेटिंग चेंज करनी है आपको, प्रोग्राम ऐड रिमूव करने हैं, इन सबको हमें एक एक को सर्च करना पड़ता है, तो
गोल्ड मोड के जरिए आपके विंडो को सेटिंग करने के जितने भी टूल्स हैं वो आपको एक ही क्लिक से अवेलेबल हो जाएंगे। तो वेरी सिंपल, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं गोल्ड मोड के लिए जो नाम रखना है। एंड लास्ट है हमारा स्लाइड शटडाउन। अब शटडाउन आप कैसे करते हैं, फर्स्ट ट्रिक तो मोस्टली लोग यहाँ जाते हैं स्टार्ट मेन्यू देन शटडाउन बटन इन पावर एंड शटडाउन देन शटडाउन हो जाएगा। या आप लोगों को एक शॉर्टकट भी पता होगा, आप क्या दबाते हैं, अल्ट अल्ट प्लस F4। अगर आप ये की दबाएंगे तो भी आपकी मशीन शटडाउन हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन सा तरीका, वो ही दोबारा आप अपने कंप्यूटर की माई डिस कंप्यूटर एंड देन डेस्कटॉप एंड एक आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और यहाँ पे आपको शॉर्टकट बटन लेना है। शॉर्टकट में जो लोकेशन देनी है वो मैं फिर इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये स्लाइड शटडाउन का ये स्क्रिप्ट दे दूंगा, ये कोड आपने लिखना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस कोड को यहाँ पे, देन आपके पास एक बटन बन के आ जाएगा स्लाइड द फाइल्स। सॉरी ये हमने नहीं देना, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, समझाने के लिए लिखा हुआ था स्लाइड, परसेंटेज से हम इसको काउंट करेंगे देन नेक्स्ट, और ये अपने आप या नाम जो भी आप इसका रखना चाहते हो, ये बटन आपके पास आ गया साइड टू शॉर्टकट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये बेहतरीन ऑप्शन आ जाएगा स्लाइड द शटडाउन, आप इसको क्लिक कीजिए आपका पीसी शटडाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये हमारे यूजफुल ट्रिक्स कैसे लगे हमें कमेंट्स करके हमारे और जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी दे दीजिए और कमेंट्स करना ना भूले कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आप और लोगों तक ले जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए इसको शेयर कीजिए। हमारा चैनल है YouTube पे, आप सर्च करेंगे तो जब भी आप कभी YouTube ओपन करके बैठे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगा, पर नहीं किया हो तो YouTube/हेमसिंह सिरसा आप ये सर्च आउट कीजिए, हमारे चैनल आ जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहे, एंड वीडियोस को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।